नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका नया चैनल है और आपको मोनेटाइजेशन के लिए 4000 वॉचर और 1000 सब्सक्राइबर लग रहे हैं तो आपको किस तरह से जल्दी कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी प्रो टिप्स है, आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचर्स कंप्लीट करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल नोटिफिकेशन आइकन हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जब नया चैनल रहता है तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है वॉच टाइम गेन करना। तो सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक नीच चूज़ करनी है, जैसे कि आप यदि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आप वैसे ही वीडियो बनाइए, यानी टेक कैटेगरी में आप है तो फिर यूट्यूब के वीडियोज़ बनाइए, कुछ मोबाइल्स के बारे में बनाइए या फिर अपने जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस है वो सारे वीडियोस आप बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइटल्स जो होता है आपकी वीडियो का वो सर्च करके ही डालना है। सर्च करने कहाँ करोगे आप, तो आपको जो टाइटल है वो सबसे पहले सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब पे ही सर्च करना है आपको, यूट्यूब पे जाना है और आपको वीडियो से रिलेटेड सर्च करना है सर्च बार में। उसमें जैसे आप सर्च करते हो कुछ कीवर्ड टाइप करते हो तो नीचे कुछ वर्ड्स आते हैं यानी कि सजेशन आते हैं, तो उन सजेशन को आपको लेकर अपना टाइटल बनाना है। उसके बाद उस टाइटल को अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है ताकि क्या हो जाए, ऐसा करने से आपकी वीडियो जल्दी रैंक हो जाती है गूगल सर्च में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टैग्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे टैग्स हैं वहाँ पर लगाने हैं, जो सर्चेस हो रहे हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर वैसे ही टैग आपको वहाँ पर लगाने हैं। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे डालनी है। उसके बाद थंबनेल आप ऐसा बनाइए कि बिल्कुल अट्रैक्टिव थंबनेल होना चाहिए, कि आपके थंबनेल को देख के यूज़र को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये वीडियो आप उनको देखनी चाहिए। तो इस तरह से आप थंबनेल बनाइए, काफ़ी सिंपल सा थंबनेल बनाइए, एकदम ज़्यादा कुछ वहाँ पर लिखिए मत, और सस्पेंस वाला थंबनेल रखिए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने वीडियो बनाई कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे लिख दीजिए कि ऐसे करें ग्रो अपने यूट्यूब चैनल को, यानी कि लोगों को लगता है या फिर यूज़र को लगता है कि नहीं इसने कुछ बताया होगा इस बंदे ने, तो उस तरह के आप थंबनेल यहाँ पे यूज़ कीजिए। और आप वीडियो कंसिस्टेंटली पब्लिश करते रहिए ताकि आपकी वीडियोस सजेस्टेड में आए, जो लोगों ने आपकी पहली वीडियो देखेगी तो कभी यूट्यूब ओपन करेगा अगले 2-3 दिन में तो आपकी वीडियो सजेशन में उसको दिखाई दे, तो इसलिए कंसिस्टेंटली आप वीडियो वहाँ पे अपलोड करते रहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, वॉच टाइम आपको इंक्रीज़ करना है। अब वॉच टाइम आपका इंक्रीज़ कैसे होगा, सबसे पहले तो आप जो वीडियो है वो बनाइए कम से कम 10 मिनट की आप वीडियो बनाइए, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाइए अच्छी क्वालिटी की, 2-3 दिन लगाइए, 3-4 दिन लगाइए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की आप वीडियो वहाँ पर बनाइए और अपलोड कीजिए। उसके बाद आप लाइव आ सकते हैं, क्योंकि लाइव जब आप आते हो तो आपको वॉच टाइम काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आइए, और जब तक आपको मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता मैं तो बोलता हूँ कि आप हफ्ते में या फिर 2-3 दिन में लाइव आया कीजिए, और आपको समय नहीं मिलता है तो फिर कभी कभार जब भी आपको समय मिलता है तब आप यूट्यूब पर लाइव आ जाइए, तो उससे क्या होगा आपका वॉच टाइम जो आवर्स है वो इंक्रीज़ होने में आपको काफ़ी मदद होगी। सब्सक्राइबर को आपके चैनल पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी वीडियोस तो आप बना रहे होंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो आप बनाइएगा, और जैसे फिर लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे नहीं उन्हें लगेगा वीडियो अच्छा है, बंदा अच्छा वीडियो बना रहा, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरह से आपका सब्सक्राइबर जो काउंट है वो बढ़ेगा, और आप जितने भी आपके जो पहचानने वाले लोग हैं तो उनको आप ज़रूर सब्सक्राइब करने के बोलिए अपने चैनल को, जैसे कि कोई रिलेटिव्स हो गए, कोई फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो गए, उनको बता दीजिए कि भाई मेरा ऐसा ऐसा चैनल है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करेंगे, और इस तरह से आपका सब्सक्राइबर बेस भी अच्छा खासा बढ़ेगा, और जैसे जैसे फिर आपके चैनल पर व्यूज़ आते जाएंगे, आपके जो चैनल रैंक करेगा यूट्यूब पर, तो फिर आपके चैनल पर ऑटोमेटिकली व्यूज़ आएंगे और सब्सक्राइबर भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे आपको 4000 वॉचर और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए फास्टली। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर और 4000 वॉचर्स कंप्लीट हो और आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बंदे ऐसे होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो डालना बंद कर देते हैं,
मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप वीडियो डालना बंद मत कीजिए। आप डिमोटिवेट होते हो तो आप सिर्फ हफ्ते में एक तो भी वीडियो डालिए, कभी ना कभी तो आपका वॉच टाइम जो है कंप्लीट होगा, या फिर हर दिन एक घंटा निकालिए, दो घंटा निकालिए, अपने चैनल पे वीडियो डालिए अच्छे से वीडियो बना के, तो भी आपका वॉच टाइम कभी ना कभी कंप्लीट होगा, आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और एज अ पार्ट टाइम आप कीजिए, स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम कीजिए, थोड़ा ही समय दीजिए यूट्यूब चैनल को, और फिर जैसे आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा फिर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आप अपने चैनल पे दीजिएगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स थी जो कि काफ़ी यूज़फुल है, हेल्पफुल है, और ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स पसंद आएगी, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।